Now let's move on to the explanation of paragraph number 10, which is the last paragraph of this story. So we have following complex words in this paragraph. The first word is leaped out, जिसका उर्दू में मतलब है बाहर उछल पड़ा. While in English it means to suddenly come at someone from a hiding place. The next word is flimsy, which means kamzor or fragile or light. The third word is foggy, जिसका उर्दू में मतलब है तारीक या फिर धुंधला. While in English it means dark or mist. The last word is plague, जिसका मतलब है ताउन. While in English it means any highly infectious, usually fatal epidemic disease. So basically ये पैराग्राफ इस स्टोरी को कंक्लूड करता है और इस पैराग्राफ में इस तरह से होता है कि हमें 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है. और होता यूँ है कि एक रॉकेट आता है और उसमें से 2 लोग निकलते हैं, एक लेफ्टिनेंट होता है और कैप्टन होता है, और वो एकदम से शोर से आके कहने लगते हैं दैट वी हैव वॉन द वॉर, वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, यानी कि वो उनको बचाने के लिए आए. लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता. जो अर्थ सेटलमेंट्स थी, जो टाउन था, वो खाली था. वहाँ पे बागात, हर चीज़ बिल्कुल सूख सड़ चुकी थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे. और फिर वो लेफ्टिनेंट को कैप्टन भेज देता है कि वो उनको सर्च करें, जबकि ख़ुद वो एक बार में अपना ऑफिस बना लेता है. जब लेफ्टिनेंट वापस आता है तो वो उसको ये बताता है कि पूरा टाउन खाली है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन जो चट्टानें हैं, जो हिल्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो कि डार्क स्किन के हैं. उनकी आंखें पीली हैं और वो काफ़ी हेल्दी लोग हैं. उनकी औरतें बहुत खूबसूरत हैं और वो लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं. और वो एकदम से इंग्लिश भी सीख सकें, यानी कि उन्होंने मेरे साथ एकदम से इंग्लिश में बात की. अब यहाँ पर कैप्टन उसको ये कहता है कि आखिर जो ज़मीन के लोग हैं उनके साथ क्या हुआ होगा और वो किधर गए. और फिर वो लोग इसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि क्या पता इन्हीं मरीखी लोगों ने उनको मार दिया है या फिर कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो सारे मर गए. फिर वो लोग इसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको कोई भी रिजॉल्व नहीं कर सकता, यानी कि उनका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ चले गए. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना तो इन लोगों ने उनको पहचाना और ना ही उन लोगों ने ख़ुद को पहचाना कि हम इंसान हैं, हम ज़मीन से ही आए हैं. लेकिन उनकी पूरी अपीयरेंस चेंज हो चुकी है, उनकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है. यहाँ तक कि वो इंग्लिश भी अब नहीं बोलते, उन्होंने सिर्फ इन ज़मीनी लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ी इंग्लिश बोली. यानी वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, विच कन्फर्म्स दैट हैरी वॉज राइट कि उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी. ये मरीही हवा उनसे उनकी पहचान छीन लेगी और उनकी यादगार, उनकी हर यादगार मोमेंट्स, हर चीज़ को वो छीन ले जाएगी. और हुआ भी वैसा कि वो अपनी समझ, सूझबूझ, हर चीज़ को खो चुके हैं. तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. I hope you have understood this explanation very well. We will discuss another chapter in another video, inshallah. This is Zil e Huma, your English instructor from tutorial.pk. Allah Hafiz.